वेलकम स्टूडेंट्स, आज फिर से हम एक साथ हैं एक नई वीडियो में। आशा है कि आप लोग सभी घर पे सेफ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और घर से बाहर कम से कम निकल रहे होंगे, क्योंकि अच्छा है कि जितना घर में रह के आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए सेफ है और आपके परिवार के लिए सेफ है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हम ऑलरेडी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि देर इज प्रॉब्लम विद सम क्वेश्चंस। तो टुडे आई विल डिस्कस टू क्वेश्चंस विच इज रिलेटेड टू स्ट्रिंग। तो मैं अभी आपके साथ यहाँ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या था। क्वेश्चंस सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन था कि एंटर ए सेंटेंस, एक सेंटेंस आपने यूजर से इनपुट लेना है, देन काउंट द नंबर ऑफ लोअर केस एंड अपर केस इन दैट सेंटेंस। इट मीन्स इफ यू वी राइट, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ माई नेम इज मोहन, तो अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ काउंट करें देर इज ए लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, बट एम एन एंड एम अगेन देर इज ए थ्री अपर केस लेटर्स एंड रेस्ट आर द लोअर केस लेटर। तो वी हैव टू प्रिंट द नंबर ऑफ अपर केस एंड लोअर केस इन एनी पर्टिकुलर सेंटेंस। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, देन आई विल रियली प्रैक्टिकल इन पाइथन। तो उसमें क्वेश्चंस में एक स्पेशल चीज जो लिखी हुई है कि राइट ए फंक्शन। तो वी हैव टू फंक्शन, हमें एक फंक्शन के थ्रू करना है, डायरेक्टली इसको नहीं करना है। तो वी राइट सम फंक्शन, तो सबसे पहले हम फंक्शन लिखना है। तो अगर आप हम यहाँ देखें तो हमें फंक्शंस के लिए क्या चाहिए, हमें एक सेंटेंस चाहिए जो फंक्शन उस सेंटेंस के ऊपर वर्किंग करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन इट विल बी काउंटेड एज नंबर ऑफ लोअर केस एंड अपर केस। तो जैसे ही आप यहाँ देख रहे हैं, लुक एट दिस स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे, तो आई हैव डिफाइन अ फंक्शन एंड फंक्शन डिफाइन विद डी एफ। तो देर इज ए कीवर्ड डी एफ, इट मीन्स अ फंक्शन हैड बीन स्टार्टेड, देन आई हैव गिवन द नेम यू एल अपर एंड लोअर, मैंने इसको एक मीनिंगफुल नेम दिया है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। देन पुट एस टी आर, यहाँ पर हमने एक आर्ग्यूमेंट लिया है बिकॉज दिस फंक्शन नीड ए इनपुट, और फंक्शन को इनपुट कहाँ से मिलता है, थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। तो वी पुट अ वेरिएबल स्ट्रिंग विच इज कैप्ट और स्टोर ए सेंटेंस और स्ट्रिंग वैल्यू। नाउ वी विल पुट द कोलन मार्क्स, आपको पता है कोलन मार्क क्यों लगाना पड़ता है, इट मीन्स स्टार्ट अ ब्लॉक, क्योंकि ये फंक्शन का ब्लॉकिंग स्टार्ट हो रहा है। देन वी हैव स्टार्ट अ न्यू लाइन विद अ टैब और सम स्पेस, इट मीन्स हमें यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि दीज लाइन्स आर पार्ट ऑफ दैट फंक्शन, तो वी हैव टू पुट सम स्पेस एंड द स्पेस आर इक्वल फ्रॉम बोथ ऑल द लाइन्स। नाउ वी विल टेक टू आर्ग्यूमेंट यू एंड एल टू काउंट द नंबर ऑफ अपर केस लेटर एंड एल फोर काउंट नंबर ऑफ लोअर केस लेटर। तो ये अब यहाँ पर हम स्टोर करेंगे कि अपर केस कितने हैं, लोअर केस कितने हैं। नाउ वी विल स्टार्ट ए लूप, हमने लूप की चलाई बिकॉज हमें लूप से चलानी है, क्योंकि हमें स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को, जैसे आप नीचे अगर लिखेंगे तो हमें सबसे पहले इस कैरेक्टर को पिक करना है, देन वी विल चेक कि ये अपर केस है और या लोअर केस है। अगर अपर केस है तो हमें अपर केस की जो काउंटिंग है उसको इंक्रीज करना है, अगर लोअर केस है देन वी विल इंक्रीज द काउंटिंग ऑफ लोअर केस। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। तो दैट इज, अब हम स्टार्ट करेंगे दैट इज फोर लूप फोर आई इन एस टी आर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने यहाँ पर रेंज फंक्शन लगाया, बिकॉज अगर हम लूप को इस तरह से लिखते हैं तो आई के अंदर ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर, मीन्स स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो वन बाई वन आई के अंदर आएंगे और एग्जीक्यूट होते जाएंगे, मीन्स हर एक इटरेशन में आई में एक कैरेक्टर आएगा, सेकेंड इटरेशन में सेकेंड कैरेक्टर आएगा, थर्ड इटरेशन में थर्ड कैरेक्टर्स इस बिल आई के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हमारे पास आई में क्या आ जाएगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 11। तो आई इट्सेल्फ बिकम ए स्ट्रिंग, अब यहाँ पर आई भी स्ट्रिंग बन गया बिकॉज उसने एस टी आर में से एक वैल्यू को उठा लिया है कैरेक्टर को। अब हम चेक करेंगे वो फर्स्ट कैरेक्टर, मीन्स जरूरी नहीं फर्स्ट कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर आएगा आई के अंदर, देन इफ आई डॉट इज लोअर, देर इज ए फंक्शन विच इज चेक दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इज ए लोअर केस और अपर केस। इज लोअर इज ए फंक्शन, ये वो चेक करता है क्या उस आई के अंदर जो वैल्यू स्टोर है क्या वो लोअर में है या
अपर में है। अगर इट विल ट्रू इक्वल टू ट्रू मीन्स अगर वो ट्रू हो रही है मीन्स वो लोअर केस है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर एक लगाया। हमने यहाँ पर देखा होगा, हमने यहाँ पर कोलन लगाया, कोलन लगाने के बाद हमने फिर से यहाँ पर स्पेस दिया। जितने बार आप कोलन लगाते चले जाएंगे उतनी ही उसके बाद की स्टेटमेंट आपकी स्पेस के साथ बढ़ती चली जाएगी। ये इसको बोलते हैं नेटेशन, होमोलॉजी डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रू यहाँ पर भी हमेशा ब्लॉक, इतने ब्लॉक बनते हैं हर एक में कोलन लगना है, ये आपको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने क्या किया, वी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एल, मीन्स हमें एक कैरेक्टर मिला है जो लोअर केस है, देन वी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई एल, सॉरी एल ऑलरेडी जीरो है तो यहाँ पर एल जीरो प्लस वन बन हो जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं होता है तो हम चेक करेंगे इफ आई इज अपर, क्या वो अपर है? अगर लोअर नहीं तो अपर भी होगा। अगर अपर ट्रू होता है तो सेम हम अपर को हम यहाँ करेंगे, अपर की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे। तो अभी आपकी ये लूप यहाँ से फोर का लूप है वो यहाँ से यहाँ तक ही है। इट मीन्स अभी इसने फर्स्ट कैरेक्टर को पिक किया है, जब यहाँ पर आने के बाद वो आई के अंदर एसटीआर से दूसरा कैरेक्टर उठाएगा, देन फिर से रिपीट करेगा सेम उसको लोअर के लिए अपर के लिए चेक करेगा। इट मीन्स जो भी उसको मिलता जाएगा वो इसकी वैल्यू को इंक्रीज करता जाएगा। एवरी टाइम यहाँ पर आपकी वैल्यूज इंक्रीज होती रहेंगी आई की और यू की अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो ट्रू हो रही है ऑल्सो। तो जब ये लूप पूरी चल जाएगी मीन्स सब कैरेक्टर खत्म हो जाएंगे, देन दिस लूप हैज बीन ब्रेक, ये ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद ये वाला पार्ट प्रिंट क्यों नहीं हुआ, ये वाला पार्ट इस लूप के अंदर क्यों नहीं, बिकॉज फोर लूप और प्रिंट दोनों का इंटरप्रिटेशन एक साथ है। इट मीन्स प्रिंट फोर का पार्ट नहीं है, फोर का पार्ट वही होगा जो उसके इंटरप्रिटेशन के साथ उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, जहाँ पर स्पेस के साथ इंक्लूड होगा तो वो इसका पार्ट माना जाएगा। ऐसे ही इफ का पार्ट ये है, इस इफ का पार्ट ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने जब सारे आपके पूरी सेंटेंस काउंट हो गई है, देन वो एल और यू को उनकी कुछ सब कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। प्रिंट हमने आज लिखा है नंबर ऑफ लोअर केस लेटर इज एल, हमने एल की वैल्यू प्रिंट की है, पहले लिखा है नंबर ऑफ इज मैसेज है, देन सेम हमने अपर केस का मैसेज लिखा और यू को प्रिंट कर दिया है। नाउ दिस इज द फंक्शन, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक देयर इज अ फंक्शन। नाउ हाउ दिस फंक्शन विल बी कॉल, एक्चुअल ये प्रोग्राम विल बी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, इस लाइन से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। बिकॉज फंक्शन हम हमेशा प्रोग्राम से पहले लिखते हैं बट वो पहले एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, द एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट विद द मेन लाइन, क्योंकि हमने यहाँ पर डेफ लिखा है, इट मीन्स ये एक फंक्शन है, इट मीन्स ये इसको इग्नोर करेगा एंड स्टार्ट विद द दिस कमांड। यहाँ पर वी विल टेक एन वैल्यू एस टी एंड हमने यहाँ पर क्या लिखा, इनपुट। अब हमने यहाँ पर ऑलरेडी हमने लिखा हुआ कि हम कई बार इंट लिखते हैं देन टेक इनपुट, तो यहाँ पर हम इंट नहीं लेंगे बिकॉज हमें सेंट जो भी वैल्यूज आ रही है उसको हमको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करना है, बिकॉज एवरी इनपुट कमांड इज टेक एज ए ऑल द वैल्यू एज ए स्ट्रिंग। इफ वी कैलकुलेट सम मैथमेटिकल ऑपरेशन देन वी विल इनपुट, वी विल कन्वर्ट द पर्टिकुलर स्ट्रिंग इंटू न्यूमेरिक वैल्यू, बट वो न्यूमेरिक वैल्यू सिर्फ वही होनी चाहिए जो स्ट्रिंग के अंदर ही न्यूमेरिक है। मीन्स अगर हम 15 यहाँ पर लिख रहे हैं तो 15 स्ट्रिंग होता है बट इट विल कन्वर्ट इंटू नंबर वैल्यूज, तो सेंटेंस है वो कभी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा। दैट्स व्हाई हमने ओनली इनपुट लिया है, तो इट मीन्स यहाँ पर हमने पूछा है एंटर ए सेंटेंस टू काउंट अल्फाबेट एंड डिजिट्स, हमने कहा कि एक एंटर यूज कीजिए, आप एक सेंटेंस टाइप कीजिए इसके अंदर हमें अल्फाबेट अपर केस और लोअर केस को हमको यूज करना है, तो हम अपर केस और काउंट अपर केस एंड लोअर केस, ठीक है, तो हमें यहाँ लोअर केस और अपर केस को काउंट करना है। उसके बाद हमने ये इनपुट लिया एंड उस इनपुट को हमने फंक्शन के नेम के अंदर पास कर दिया, वी विल कॉल, यहाँ हम क्या कर रहे हैं फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वी विल कॉल द फंक्शन, कॉल द फंक्शन, एक्चुअली में हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। देखेंगे अगर आप देख रहे हैं तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, जस्ट राइट द नेम ऑफ फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है यू एल, इट इज़ द नेम ऑफ फंक्शन यू एल, हमने यू एल लिखा और जो इनपुट हमने यूजर से लिया था वी विल टेक पुट हियर एंड दिस इनपुट मीन्स जो भी यूजर इनपुट करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने माई नेम इज मोहन लिखा है तो वो मोहन एस टी के अंदर आएगा एंड इट विल ट्रांसफर टू एस टी आर, वो एस टी आर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और ये ऑलरेडी प्रोसेस मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे स्टार्ट होगी, नाउ वी विल चेक कि ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, हम देख लेते हैं। ये मैंने प्रोग्राम आपका भी बनाया हुआ है, यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पर हम लेते हैं अपर और लोअर एंड लोअर, ठीक है, हमने
नाउ हम सिर्फ ul को हमने फंक्शन को बनाया हुआ है ऑलरेडी, इसको अभी आप इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये कॉल नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम कॉल नहीं करेंगे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम कॉल कर रहे हैं ul को, विल कॉल ul। तो जैसे ही हम ul करेंगे मैं इसको यहाँ से अभी कट कर देते हैं, इसको हम कटिंग करते हैं, अभी आपको जरूरत पड़ेगी इसके दोबारा से, मैं इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है। तो अभी हम इस फॉर्म को रन करते हैं, मैंने यहाँ पर सेव किया और इसको रन कर दिया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है एंटर सेंटेंस टू काउंट नंबर अपर एंड लोअर, तो हम छोटा सा ही सेंटेंस डालते हैं, विल पुट ए स्मॉलर वैल्यू, फिर काउंट करने में आसान होगी। लिखते हैं माई क्लास इज 12। अगर यहाँ आप देखेंगे तो आपके अपर केस में 3, 4, 5 कैरेक्टर्स हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 करेक्टर्स आपके लोअर केस में है। तो यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ लोअर केस लेटर इज 7 एंड नंबर ऑफ अपर केस लेटर इज 5, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। हम इसको दोबारा एक बार फिर से रन कर लेते हैं, कुछ और डाल, हम सारे स्मॉल डाल लेते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज नंबर ऑफ लोअर लेटर्स इज 11 एंड नंबर ऑफ अपर केस लेटर 0। नाउ अगेन फिर से रन कर लेते हैं। नाउ कीप सम ऑल कैपिटल वैल्यूज, देन नंबर ऑफ लोअर केस इज 0 एंड नंबर ऑफ अपर केस इज 7। तो होप कि आप लोग ये समझ ही होंगे, इसको स्टडी करना अच्छे से, और ये प्रोग्राम मैंने बताया इसको आप खूब ट्राई करना, प्रैक्टिस करना। और सिमिलर ऐसे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे चलेंगे। जैसे कि एक है कि उसमें अल्फ़ाबेट और डिजिट्स को काउंट करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए एक इज़ अल्फ़ा और एक इज़ डिजिट्स दो फंक्शन होते हैं, तो आप चेक करेंगे। इज़ अल्फ़ा का मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर एक अल्फ़ाबेट है, और इज़ डिजिट का मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर डिजिट है। थैंक यू। अगर आप कुछ समझ में कुछ कोई प्रॉब्लम है बिल्कुल कॉल में व्हाट्सएप में, और मुझे आप ये बता सकते हैं कहाँ आपको प्रॉब्लम है। हम कल फिर से मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नई प्रॉब्लम के साथ।